नमस्कार सभी को। जय नमस्कार नमस्कार श्री नमस्कार राम। नमस्कार सभी को। बिल्कुल जय श्री राम जय बिल्कुल। जय श्री राम श्री जय राम श्री जय राम। श्री राम। आज बिल्कुल आज आज है एपिसोड 2 ऑफ सुपर नर्ड पॉडकास्ट, जिसकी शुरुआत इन चार लोगों ने करी। किशन हरचंदानी जी फ्रॉम केएच ब्लॉग्स, हमारे धीरेन्द्र भाई फ्रॉम कॉमिक्स एनिमल, प्रणय भाई जो कि आज अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन साथ ही में उनकी आई सपोज ये कहना सही रहेगा कि विद स्पिरिट वो हमारे साथ हैं और डेफिनेटली इस वीडियो का को मिस भी कर रहे होंगे और इंतजार भी करेंगे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आए। मैं भी साथ में हूँ फ्रॉम द ड्राइंग हाउस, और साथ ही में आज है आज हमारे साथ में एक गेस्ट, जो कि हमने ये फैसला किया था कि सिर्फ ये जो चार कोर मेंबर्स हैं सिर्फ यही नहीं रहेंगे, टाइम टू टाइम हम किसी ना किसी गेस्ट को लाएंगे। तो आज हमारे साथ में मैनाक बैनर्जी फ्रॉम कॉमिक्स बाइट हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैनाक जी आपका स्वागत है आज के जी इस धन्यवाद पॉडकास्ट सौम्य में। जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। वेलकम अबोर्ड नमस्कार मैनक सभी भाई, को। वेलकम अबोर्ड। बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल धीरेन्द्र बिल्कुल। जी, और नमस्कार किशन भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया। अब तो ऐसे थैंक यू बिल्कुल सौम्य एचआर जी। के अंदाज में स्वागत कर दिया मैंने मैनक का। नमस्कार छोड़िए, अब जय श्री राम बोलिए। जय जय श्री श्री राम। राम बहुत सभी सही, को। बिल्कुल जय सही, श्री राम बिल्कुल सभी सही। को। हाँ, बहुत बड़ा इवेंट है हुआ रिसेंटली। जय श्री राम जय श्री राम। वाकई में बहुत बड़ा इवेंट रहा, और ये इसी हफ्ते का जो जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है वही वो रही हमारे हमारे श्री राम, और उसी टॉपिक को लेकर आज हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। ये 500 सालों के बाद ये अवसर आया, ज्यादा कहने की वो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूट्यूब चैनल इस बारे में बोल रहा है, सो वी वोंट बी वॉकिंग द सेम रोड। लेकिन ये बात तो पक्की है भाई कि हम आई थिंक हम चारों ये चीज शेयर करेंगे बीइंग फ्रॉम दिस पॉप कल्चर कम्युनिटी, कि जब दूरदर्शन पे वो पहली बार वो जो क्लोजअप शॉट आया ना भगवान राम का, उनकी उनके बाल रूप का, मुझे याद है कि मैं रूम में बैठा हुआ था, मम्मा पापा रूम में बैठे हुए थे, तो हम सभी की नजरें एक दूसरे को देख रही थी, और सबसे पहले मेरी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आए जैसे ही क्लोजअप आया, और मैंने देखा कि सब इमोशनल हो रखे हैं, सब इमोशनल हो रखे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि घर में कोई बहुत ज्यादा उस टाइम पे रिलीजियस माहौल हो रखा था, बट आई थिंक विद रामायण विद एपिक्स लाइक महाभारत एंड भागवत गीता, ये कहीं ना कहीं हम सभी के डीएनए में है, हम वो एक एक बॉन्ड महसूस करते ही हैं। मैं जानना चाहूंगा और इसी से शुरुआत करना चाहूंगा आज के इस पॉडकास्ट की इस सवाल से, इस पॉइंट से, सवाल नहीं कहना चाहिए पॉइंट से, कि आखिर आपके लिए कैसा अनुभव था वो पहला दर्शन श्री राम का, आप प्लीज बताना शुरू करें। किशन जी आपसे किशन शुरू भाई करें। शुरू करिए। मैं बताता हूं, क्योंकि भाई ये मेरे लिए तो एकदम, मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने बोला आंखों में आंसू आ गए, तो मैं भी मतलब दूरदर्शन पे लाइव चला था, लेकिन साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी उसको पीछे पीछे 2-3 सेकंड के डिले में चला रहे थे। तो मैं तो काम कर रहा था, तो उसके साथ ही मैंने वो भी देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था प्राण प्रतिष्ठा है। और जब वो मतलब रामलला की जो मूर्ति थी वो तो ऑलरेडी पहले पब्लिक में आ गई थी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही, लेकिन वो जो इवेंट था वो अपने आप में एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जो है ना, जो भी जिन्होंने इस चीज को विटनेस किया है, हम लोग एक तरीके से हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं कि हमने देखा है जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वी आर देयर, मतलब हम लोग जिंदा थे। आज से जब 100, 200, 300 साल हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं ताजमहल बना था उस वक्त लोग देख रहे होंगे, या फिर ना भारत देश आजाद हुआ था तो उस सुबह उठने वाले लोगों को कैसा लगा होगा। तो ये भी एक ऐसा, मैं बोलता हूँ कि रिवोल्यूशनरी चीज है जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, कि हमारी आंखों के सामने ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका कितना मतलब कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा और बाकी सारी चीजें। इवन एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा, जो इनके जो आर्टिस्ट है आदि योगी, पता नहीं उनका ऐसे करके कुछ नाम है, उन्होंने बोला है कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो मूर्ति है वो दोनों डिफरेंट है, एक्सप्रेशन चेंज हो गया। आप देखना अभी मतलब ट्रेंडिंग में यही चीज चल रही है, और काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले वायरल हुई थी और जो अभी है उनमें एक्सप्रेशन में अंतर है। इवन बहुत सारे केस, जैसे एक मंकी, वो बोल रहे एक बंदर भी आया था प्राण प्रतिष्ठा में जो एंड तक गया था। इवन जो
जो जिन्होंने बनाई है इस क्लब की है, वो बोलते थे मैं बनाता था और हर रोज 4 बजे सुबह एक बंदर आके और वो मूर्ति देखता और वो चला गया। कुछ नहीं, जी ना जी उसको जी खाना जी था ना कुछ चाहिए था। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स, अब आप मिरेकल कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात ये है कि प्रभु श्री राम हम सबके अंदर तक बसे हुए हैं, डीएनए, जैसे आपने बोला डीएनए में, तो हमारे डीएनए में बसे हुए हैं और ये आगे भी रहेंगे। जबकि कितने ही आक्रांत आए, कुछ भी हुआ, भले से इतनी सारी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई, आप देखिए पर्शियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन, लेकिन हम एज ए हिंदू आज भी हैं। और अब तो भाई पूरा माहौल ही राममय हो गया है, तभी हम लोग भी यहाँ बैठ के आज भगवान श्री राम का पॉडकास्ट कर रहे हैं। सब तरफ इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए श्री राम ट्रेंडिंग हो रहा है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए जिसको देखिए वो वीडियो बना रहा है, न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, सब पर भगवान श्री राम ही छाए हुए। तो अद्भुत अद्भुत तो माहौल है इस वक्त, मैं तो ये कहूँ। धीरेन्द्र भाई मैं चाहता हूँ कि मेहनत भाई हमारे गेस्ट हैं, तो चलिए अब उनसे मेहनत शुरू भाई, किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद धन्यवाद धीरेन्द्र जी। और लाइक जैसा कि सौम्य जी ने कहा और किशन जी ने कहा कि हम सब बड़े अभिभूत हो गए, ऐसा एक अप्रतिम और एक माहौल ऐसा बन गया कि हम सभी भावुक हो पड़े। और ये जो एक मन में उत्कंठा थी कि हम देखें प्रभु श्री राम को कभी ऐसे जीवंत, मैं इसे जीवंत ही कहूंगा क्योंकि हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें कहा जाता है जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। तो जो पहली छवि देखी वो जो मेरे ख्याल से 82 सेकंड थे उसके बाद वो एक आभा निराली थी और बिल्कुल ऐसे आंखों में अश्रु आ गए और नेत्र भीग गए, हर जगह शंख की ध्वनि गूंज रही थी हमारे यहाँ पे और मतलब पूरा माहौल राममय हो चुका था। और आज मेरे ख्याल से जहां भी मैं नजर घुमा के देखता हूँ सड़कों में बाहर तो वो रंग छाया हुआ है। तो ये एक मेरे ख्याल से वक्त की जरूरत भी थी कि हमें एक ऐसा कुछ पॉइंट चाहिए था अपने लाइफ में जहां हम जा सकें, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर सकें, उनसे अपने दुख साझा कर सकें और जो रामराज की कल्पना है जहां पे सब सुखी रहते हैं और सब इक्वली मतलब एक अच्छे सोसाइटी का एक जो निर्माण होता है वो हम फॉलो कर सकें। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग इवेंट फॉर एवरीवन। और मतलब बचपन से ही घर में हमारे यहाँ पे आज भी है वो बंगाली में रामायण बिल्कुल बड़ी वाली और वो जो उसका एक स्टैंड आता है आपका लकड़ी का रख के, मम्मी उसमें सुंदर पांड का जो है पाठ किया करती थी हमेशा। तो मतलब हमेशा से ही घर में प्रभु श्री राम रहे हैं और अब तो मतलब जगत में व्याप्त हो चुके हैं, हर कोई भावुक है, हर कोई खुश है इस प्राण प्रतिष्ठा से और अयोध्या में राम मंदिर के आगमन से। जी नहीं आई किसी गेस अब चौथा मैं ही बचा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट। मैं शायद स्टार्टल कर दूँ यहाँ पे कुछ लोगों को, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं है। आप शायद जानते हैं, नहीं जानते आई डोंट नो, बट आई एम एन एथिस्ट। मतलब मैं गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राम से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो हमारे आध्यात्मिक बातें हैं, जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, तो उसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर देखा गया है और वो एक हमारी सोसाइटी का बाइंडिंग फोर्स रहा है। सो जैसे मेरी आज भी जो भी रिलीजियस विचारधारा है, मतलब उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मैंने अपने जीवन का काफी हिस्सा मतलब इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के साथ बिताया है। बच्चों में कहानियों में काफी रुचि थी मेरी, तो रामायण महाभारत ये सारे कंठस्थ थे और बड़ा मजा आता था। इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स होते थे, ऑल पावरफुल राम, फिर हनुमान जी, उनको बहुत लंबे टाइम तक मैंने अडोर किया क्योंकि बुद्धि और बल के मतलब प्रतीक थे हनुमान जी। तो वही एक बात है कि जब ये वाकया हुआ 22 तारीख को, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, सो मेरा इनिशियल रिएक्शन यही था कि मतलब ये एक ऐसी कॉमन एंटिटी है जिसको हम राम के प्रतिरूप के तौर पे देखते हैं, कि वो मतलब बाइंडिंग फोर्स, कह रहा हूं मैं, कि पूरी फैमिली को एक सूत्र में पिरोने वाले कैरेक्टर हैं। हम सभी उनके साथ रिलेट करते हैं, घर का हर एक मेंबर, मतलब जैसी राम शब्द आता है या फिर रामायण या महाभारत की कोई भी कैरेक्टर्स, कोई चर्चा होती है तो काफी कुछ मेमोरीज सामने आ जाती हैं। कोविड के दौर पे भी जब शुरुआत में दोबारा से रीरन हो रहा था दूरदर्शन में रामायण का, तो सोसाइटी को, फैमिलीज को बाइंड करने का काम एक बार फिर से इसी धारावाहिक ने किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपके रूट्स तक लेके जाती है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में आई थिंक जो उनकी माइथोलॉजी है उसका यही कनेक्शन होता है कि वो आपको आपके रूट्स बार बार याद दिलाते हैं, आपको आपके ट्रेडिशन से जोड़ते हैं।
तो उस मामले में आई थिंक ये बहुत मेगा इवेंट हुआ, और इवन इस कारण भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लिए हुए बैठा अपने आप में कि जो मतलब हिंदू मेजोरिटी है इंडिया में और जो भारत देश से बाहर भी रह रहे हैं, उन सबको अगर एक करने वाला कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब कैरेक्टर है, तो आई थिंक वो राम। बिल्कुल 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 सही। ये वाकई में इंटरेस्टिंग है, हमेशा से ही ये सोचना, ये जानना कि एज फार एज वी कैन रिमेम्बर, हमारे किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट माध्यम पे, चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो, चाहे टेलीविजन हो, फिल्में हो, फिल्मों में भी दो डिविजन आ जाते हैं, एक लाइव एक्शन और एक एनिमेशन। तो एज फार एज वी ऑल फोर कैन रिमेम्बर, प्रभु राम या एज अ कैरेक्टर राम और उनकी कहानी, ये हमेशा से हमारे कल्चर में जनरेशन आफ्टर जनरेशन रही है। मुझे याद है, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही याद कर रहा था कि बैक इन द 1970s या 60s, जब इंद्रजाल कॉमिक्स आया करती थी, आई मीन हम बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने माता पिता के बचपन की बात कर रहे हैं भाई, उसमें रामायण की कॉमिक बुक्स आती थी। मतलब रामायण कॉमिक बुक्स 1960s में, सोचना, कॉमिक बुक फॉर्मेट के हिसाब से, चंदा मामा नहीं, मैगजीन फॉर्मेट नहीं, किड्स मैगजीन, मतलब प्रॉपर पैनल्स बने हुए हैं। और वो तो तब से मुझे याद है कि मेरे फादर के पास से वो कलेक्शन में थी। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि जैसे जैसे हमारा एंटरटेनमेंट मीडियम डेवलप हुआ, टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद फिर मूवीज पे फिल्में आने लग गई, ये सब 60s 70s 80s, जैसे जैसे दशक आगे बढ़ते गए, अलग अलग पॉप कल्चर मीडियम्स में भी रामायण का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है टिल दिस डेट। आज भी कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, टेलीविजन पे तो खैर क्या ही कहना कि हम जानते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बेहद विफल प्रयास भी हुए हैं मूवीज में। तो उस बारे में कुछ चर्चा हो तो कुछ कहानी आगे बढ़े प्रभु श्री राम की। किशन जी, आप ही तो शुरू करते हैं, कृपया तो बताएं अपना एक्सपीरियंस। देखिए, मैं भी जैसे जब छोटा था, तो जैसे हम सभी थे, मतलब अगर 40s में हैं आप लोग, तो DD1 पे रामायण आती थी सुबह सुबह रामानंद सागर की। और उस वक्त क्या लोगों के पास होता नहीं था, मोहल्ले में किसी एक जने के पास या दो जने के पास टीवी होता था, तो वो बाहर लगा देते थे टीवी को, वो शटर वाला आता था, जब पता हो तो लकड़ी का शटर होता था उसमें खुलने वाला, ठीक है, आप गूगल करके देखिए आपको क्या पता दिख जाए फोटोज की, वो लगा देते थे। हमने लाइफ में देखा हुआ है मैंने भी देखा लाइव हुआ है, देखा है भाई, लाइव देखा हम है। सारे एंटीक पीसेस हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाना तो वो जी लगा के हाथ, देते हाँ थे मेरे बाहर। वो वाला हाँ, टीवी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां, मतलब नीचे बैठ के जमीन पे और रामायण देखते थे। और काफी जो प्योर थोड़े नॉस्टैल्जिया। एजेड लोग रहते थे ना, वो तो पहले प्रणाम करते थे, जैसे वो इंट्रो होता था तो राम जी सीता जी की फोटो आती थी, अरुण गोविल जी और उनकी दीपिका जी की, तो वो प्रणाम करते थे, तो वो देखा हुआ है। उसके बाद में फिर रामलीला, रामलीला होती थी तो हमारे पापा हमको दिखाने लेके जाते थे रामलीला। उसके ऑफ बाद कोर्स बड़े ऑफ हुए, कोर्स, हाँ हाँ थोड़े बड़े हुए तो हम लोग खुद ही जाते थे, भाई सर्दी के टाइम में रामलीला होती थी, आपने मूंगफली खरीद ली थोड़ी सी 10 रुपए की 5 रुपए की, और वहां बैठ के मूंगफली खा रहे और रामलीला देख रहे। और रामलीला में, रामायण में क्या है ना, मैं ये बोलूंगा कि इसमें हर किसी के लिए बहुत कुछ है। बचपन में हम जब रामायण देखते थे तो हम हमेशा ये देखते थे हनुमान जी का लंका में आग लगा रहे हैं, मतलब उनके हीरोइज्म वाले कारनामे, जिसके लिए हम कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हीरो जिसको बोलते हैं सुपर हीरो वाले कारनामे, वो हनुमान जी किए हुए हैं, राम जी के किए हुए हैं, जो समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को रास्ता दो, वो रास्ता नहीं देता तो वो फिर वो निकालते हैं कि अब तो तेरे को पूरा सुखा दूंगा, फिर वो डर के बोलता है फिर प्रभु सारा है। पानी हाँ सुखा देंगे। हाँ पानी तो, और मोस्टली रावण जैसे सीता का हरण करके लेके जा रहा है, जटायु आ जाते हैं बचाने के लिए, और हनुमान जी का तो कहना ही क्या, मतलब हनुमान जी के तो सारे किस्से लार्जर देन लाइफ हनुमान जी से ही जुड़े हुए हैं, संजीवनी बूटी उठा के लेके आना, दारा सिंह जी ने प्ले किया था, तो मतलब वो तो देखा हुआ है ही रामानंद सागर का, अगर मैं बात करूं अपनी। उसके बाद में अगर बात करूं कि उसके बाद में कौन सी ऐसी रामायण थी जो मुझे मेरे दिल के करीब है, तो उसमें मैं बोलूंगा एक आप लोगों ने देखी होगी रामायण एनिमेटेड सीरीज जो चाइना ने बनाई, शायद चाइना जाने जापान ने, रामायण द जापान लेजेंड, जापान ने हाँ बनाई, भाई जापान। जापान, जापान, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसमें अरुण गोविल जी ने श्री राम की आवाज दी थी, और अमरीश पुरी साहब ने, तो है नहीं दिवंगत, उन्होंने रावण की आवाज दी थी, है ना, वो अल्टीमेट थी, मतलब मैं, और ऐसा हो जाता था कि हर दशहरे पे वो कार्टून नेटवर्क पे आती थी, हर दशहरे पे कार्टून
कार्टून नेटवर्क पे आती कार्टून थी, नेटवर्क पे आती थी, दशहरा पे और कार्टून दिवाली नेटवर्क पे भी शायद यही टाइम होता था। पे आती थी। हाँ तो ये दो जो है ना रामायण, ये अगर आप लाइव एक्शन में बात करें तो ये दो रामायण मेरे मतलब दिल के काफी क्लोज हैं। वो वाली एनिमेटेड वाली तो मैंने मल्टीपल टाइम देख रखी है, पता नहीं उसकी तो कितनी बार रिपीट कर रखी है, और वो है भी काफी अच्छी। उसमें थोड़े चुटीले संवाद भी हैं, चुटकुले टाइप के संवाद भी हैं, और कैरेक्टर को भी उस तरीके से पेश किया गया है। तो मेरा तो यही है, फिर बाकी उस अगर एनिमेटेड रामायण में गाने भी बहुत अच्छे थे, जहां तक हाँ मुझे ध्यान जननी है, मैं राम बहुत सीता प्यारे, सभी बहुत गाने प्यारे हाँ, थे। सत्य वचन कहता माँ सीता, अर्पण प्रभु तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से धर। और उदित तो नारायण और अलका उसमें, याग्निक थे। और उसमें आपको याद है जो उसका इंग्लिश वर्जन है, मैंने हाँ डीवीडी खरीदी थी, तब उतना ज्ञान नहीं था तो हिंदी की जगह इंग्लिश में लिया था। इंग्लिश में और भी खूबसूरत संस्कृत में है, अच्छा, संस्कृत में है जो, अगर आप सुने उसको तो वो मतलब अमेजिंग, जो कि जिसे कहते हैं अमेजिंग प्री प्रोडक्शन किया गया होगा उस फिल्म का, वो जैपनीज स्टूडियो के द्वारा, ये तो और है। हाँ सबसे दुखद बात यह है कि वो इतनी अच्छी एनिमेटेड मूवी इंडिया के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो जापानीज ने बनाई है। उनको भी हमारे कल्चर का इतना रिस्पेक्ट है कि कैसे बनानी, उसके बाद लेकिन में मेरे ख्याल से सौम्या जी शायद इस बात में प्रकाश डाल पाएंगे, सौम्या जी, क्योंकि आप एनिमेशन के फील्ड से भी जुड़े हैं। भारत में जो एनिमेशन के जन्मदाता कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म से इन्वॉल्व रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान है वो मुंबई से आते हैं, और फिर उन्होंने जो क्रिएटर है इस मूवी के, जो जापान में, आई थिंक उनका नाम कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट उनके साथ मिलकर कई वर्षों के R&D के बाद ये मूवी आई है किशन जी। तो हाँ। मतलब एक प्रॉपर रिसर्च ये मूवी थी, और इसमें कहीं पे भी बहुत ज्यादा एग्जेजराइट नहीं किया गया, ना ही हटा गया, जो मूल रामायण का जो सार है ना, उससे कहीं भी हटा नहीं गया, जैसे आजकल की करेंट जनरेशन की मूवीज अक्सर हमें दिख जाती हैं। आदि तो पुरुष का ये मेरे नाम बोलना ख्याल से चाहते हैं क्या आप? उसका अभी आपने ले ही लिया है, तो अभी नहीं, क्या कहें आदि हम पुरुष की लोग, तो, आदि पुरुष पर कोई मतलब टॉपिक पे बात करेंगे अपन, आदि पुरुष को तो लेंगे लाइव। जी। ओम रावती नरेंद्र बोलेंगे। भाई, आप बताएं नरेंद्र भाई, अपना एक्सपीरियंस बचपन में या क्या रहा? नहीं बचपन में मतलब अगर दो टूक शब्दों में कहूँ तो जो रामानंद सागर की रामायण थी और उसके बाद जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, तो उसके पैरेलल मुझे तो मतलब टिल डेट कुछ कोई और ऐसा नहीं सीरियल मतलब धारावाहिक सेम टॉपिक बनता हुआ नहीं दिखाया गया। उन्होंने माना कि इतने ऊपर सेट कर दिए थे, बिल्कुल लेकिन उसके भाई, बावजूद मुझे लगता है कि देखो इसके रीरन बार बार होना या फिर सेम टॉपिक पर थोड़े से डिफरेंट अंदाज से फिर से रामायण बनाना, ये टाइम एंड अगेन होता है। ठीक है, उसके पीछे भी कोशिश कर मंशा को समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग रिलेट करते हैं इस चीज से, तो उनको पता है कि उनको ऑडियंस मिलेगी। हाँ तो अगर मतलब पसंद की बात करूं मैं तो पुरानी रामायण जिसमें अरुण गोविल थे और पुरानी शारदा थी, उसके बाद कोई रामायण अगर मुझे अपील करी है तो वो है आई थिंक ये 2015 या 16 में आई थी सिया के राम, अच्छा ये एक बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सिया धारावाहिक के था राम, आई थिंक, ये फिर अभी मतलब हॉटस्टार पे स्ट्रीम होता है, तो मैं इसको मुझे काफी अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। सो उस टाइम पे क्या था कि भावनाएं अच्छी थी, जो कैरेक्टर्स थे वो जीते थे किरदारों को, तो अरुण गोविल आज तक उस किरदार से बाहर मतलब नहीं निकल पाए, इतने स्टीरियोटाइप हो गए थे। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी लेकिन थी उस टाइम उसकी, पे सिगरेट छोड़ दी थी उन्होंने। हाँ उनकी सिगरेट छूट गई थी, वो तो एक मतलब इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि किसी एक जगह वो शूट कर रहे थे तो शूट के ब्रेक में उन्होंने सिगरेट स्मोक कर रहे थे, तो साउथ का ही कोई एक क्रू मेंबर था वो आया और उनको गलियाने लगा कि हाँ हम आपको मतलब इतना मतलब एड्यूलेट करते हैं, इतना आपको मानते हैं भगवान स्वरूप, और आप सिगरेट पी के छवि खराब कर रहे हैं। तो वो मतलब वो बताने के लिए काफी है कि क्या उसका वो रहा है, प्रभाव रहा है एक पूरी पीढ़ी पर, तो वो था। लेकिन उस टाइम ना टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अभाव था, तो मुझे कुछ चीजें बड़ी अखरती थी, जैसे कि एक धनुष बाण छोड़ा तो वो बड़ा बोरिंग लगता था कि मतलब बड़े ही मतलब मैकेनिकल अंदाज में जा रहा है। इस कमी को पूरा किया बी आर चोपड़ा ने अपनी महाभारत में, तो उसमें जो युद्ध के जो सीक्वेंसेस थे वो उसने और इंटरेस्टिंग बनाए, तो वो चीज बड़ी गजब की लगी। लेकिन इसी चीज को कह रहा हूं मैं, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का अभाव था लेकिन फीलिंग जबरदस्त थी, जीते थे कैरेक्टर को, तो वो बात ही। लेकिन ऑफ लेट अगर मैं बात करूं तो इतना भी मतलब डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, जो नई पीढ़ी है इतना भी बुरा नहीं कर रही है, तो बट
उस लेवल को मैच नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने ही अंदाज में आई थिंक सिया के राम में काफी अच्छा काम किया उस कहानी को, मतलब आई थिंक सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताने की कोशिश करिए, तो वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करके दिखाया, तो वो मुझे पसंद आया। देवेंद्र भाई जो आपने कहा ना सिया के राम, एग्जैक्टली मेरा भी जो नए वर्जन आए हैं उसमें जो टेलीविजन में है, शायद ना वो हम सभी के लिए वो टाइम वो एरा ऐसा था कि वो सही टाइम पे हिट किया है। तो सिया के राम मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि वर्जन मतलब कहानी फ्रॉम अ सीताज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बहुत मतलब ये चीजें एज अ स्टोरी फैन, एज अ कॉमिक बुक फैन कहें या कुछ भी कह लीजिए, एज अ पॉप कल्चर फैन, हम सब रिलेट करते हैं उससे। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अच्छा जैसे जब कॉलेज में, मैं थोड़ा सा सीन पे बताना चाहूंगा, जैसे कॉलेज में मैं हाँ ड्रामेटिक सीन से जुड़ा हुआ था, तो जो हम थोड़ा सा ऐसी स्ट्रीट प्ले वगैरह करते थे या कुछ भी करते थे, अदाकारी के बारे में नोट शेयर करते थे, तो एक चीज तो बड़ी आम होती थी उस टाइम पे, और आई थिंक ये अक्रॉस जनरेशन सबको पता है, मतलब अगर अपियरेंस वाइज इफ यू लुक द कैरेक्टर ना, इफ यू लुक द पार्ट, आई थिंक 50% ऑफ योर जॉब इज डन। एक्टिंग वगैरह उसकी बात होगी, तो उसी तरह जैसे रामायण में अरुण गोविल, फिर वो लक्ष्मण जी जो तुम गुस्से में रहते थे, शेषनाग का अवतार, फिर जो सीता माता का रोल जिन्होंने प्ले किया, वो काफी यंग थे, वो बट दे लुक द पार्ट, दे लुक द कैरेक्टर। उसी तरह सिया के राम में भी जो मेन लीड है, मतलब आपके अंदर से एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए ना उनको देखते हुए कि हाँ वो भगवान स्वरूप लग रहे हैं, तो आई थिंक वो हाँ कैरेक्टर का पार्ट लगना भी उनके फेवर में गया। बाकी एग्जीक्यूशन का नो डाउट काफी अच्छा था। अच्छा, अगर जब हम वर्जन्स की बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से दिखाया गया, क्या वर्जन दिखाए गए, तो एक एक पॉइंट आता है वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ, चाहूंगा कि हम चारों इस बारे में बात करें। जो वर्जन्स कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स में देखे गए उसकी थोड़ी बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरे दिमाग जैसे होता है ना कि आपको कोई कैरेक्टर आप बोलो तो आपके दिमाग में एक कवर आर्ट वो फिक्स होता है बचपन से। जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे नागराज तो मेरे दिमाग में वो नागराज, इच्छाधारी नागराज का जो फ्रंट कवर है आज तक वो इम्प्रिंटेड है, प्रिंटेड वो है। हाँ है, वो ताकी को मार रहा है, मुक्का मार रहा है, और वो इम्प्रिंटेड है हमेशा के लिए। सही बात है। रामायण के साथ में एक एक बुक थी, आई थिंक आई वुड बी हैविंग इट, लेकिन अभी इन कवर आर्ट में से तो नहीं है। लाइक आई हैव दिस वन, ये जो तुलसीदास की रामायण आई थी, अलोंग विद अरे दैट। अरे 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 सौम्या, व्हाट अ हाँ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बस वही तो, एग्जैक्टली। हाँ तो ये आई थी, और इसके साथ में ही एक वर्जन था टेल्स ऑफ जायंट्स एंड डीमंस, ये भी आया था। आई थिंक इसमें लंका दहन का एक आप सभी ने पढ़ा होगा, वो एक बहुत ही चिर परिचित कवर आर्ट है हनुमान जी का, वो लंका दहन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा मुड़कर देख रहे हैं, एकदम हाँ फ्रंट कवर में है हमारे वो चित्र के इतना पॉपुलर है, वो गूगल पे आप टाइप कीजिए वही आ जाता है हमेशा। तो अगर कॉमिक बुक्स या ग्राफिक नॉवेल्स की हम बातें करें तो जरा आप सभी बताएं कि रामायण से रिलेटेड कौन सी कॉमिक बुक्स ने सबसे ज्यादा हिट हार्ड किया आप सभी के लाइफ में। देखिए, इंस्पायर का तो मैं इतना कह नहीं सकता क्योंकि मैंने रामायण इतनी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या रामायण की स्टोरी पता है, तो मैं अगर मतलब एंटरटेनमेंट मीडियम में जाना, पर कॉमिक्स में तो मैं उसमें फिर देखना चाहता हूँ कि कोई नया क्या कर रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि क्योंकि वो आर्ट फील्ड हो गया। मूवी फील्ड का तो ये कि आपने एक्टर लिया और वो काम कर रहा है, आर्ट फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है सब, जैसे कि स्वामी भाई ने बोला कवर का, तो कवर ऐसे मेरे दिमाग में कोई था नहीं कि यार ये कवर याद आता राम जी को, लेकिन एक मैं आपसे किताब शेयर करता हूं, उसका कवर बनाया था एलेक्स रॉस, एलेक्स रॉस जो सुपरमैन ड्रॉ करते हैं, वो ये है। लवली अरे अमेजिंग लवली, लवली अमेजिंग यार, 9 to 8D, मतलब ये मैं कवर देख के राम जी का आप देखेंगे ना एक्सप्रेशन, एलेक्स रॉस तो सबको पता है कितने धुरंधर पेंटर है, अगर अब तो ये किताब अवेलेबल भी बिल्कुल कहीं बिल्कुल। पर काफी ज्यादा, और पहले काफी मतलब ग्राफिक इंडिया के शामिक दास गुप्ता ने लिखा है इसको, इस किताब शामिक अच्छा था और कवर एलेक्स रॉस था, इसके 3 पार्ट आए थे, स्टोरी पूरी नहीं हुई, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक तब भी मूड पूरी का नहीं हुई। रामायण, तो मैंने इसको पढ़ा नहीं है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वगैरह मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है स्टोरी, लेकिन ये कवर आर्ट जो है ना इसका, इन्होंने एक वो स्टैचू भी निकाला था 3-4 हज़ार रुपये का हाँ स्टैचू, हाँ वो सब मेरे हाँ को मिला नहीं। नहीं तो ये जो एलेक्स रॉस का आर्ट वर्क है ना, ये तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क है श्री राम का, प्रभु श्री राम, मतलब आप देखिए ये गजब था। अंग्रेज कितना अच्छा, इसमें आप एक्सप्रेशन देखिएगा ना श्री राम के, ये देखिए कि अगर वो युद्ध कर हाँ रहे हैं तो उनके धनुष बाण वगैरह
उनका एक्सप्रेशन यूं करके जो तीर मार रहे हैं, और ये वाला जो पोज है ना एलेक्स रॉस के बाद में श्री राम के काफी सारे आर्टिस्टों ने बनाया ये वाला पोज इस तरीके से, ये फर्स्ट टाइम। एलेक्स एलेक्स भाई उसको रॉस दोबारा आप थोड़ा कैमरे पे दिखाएंगे ये कवर आर्ट को, या आप गूगल करेंगे ना एलेक्स रॉस थोड़ा थोड़ा आर्ट थोड़ा, बुक। हाँ थोड़ा क्लोज करके फेस थोड़ा क्लोज दिखाइए। हाँ तो मैं ये बात यही कहना चाह रहा था कि जो राम का जो कैरेक्टर है ना, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा उनके चेहरे पे मतलब एक शांत चित्त प्रवृत्ति के इंसान थे, हाँ एकदम कंपोज्ड। ठीक है, तो कंपोज, इवन इस मतलब युद्ध कर रहे हैं किसी से सपोजिटली, उस दौरान उनके चेहरे पे मतलब एक फोकस है और मतलब चिकन तक नहीं है अगर आप ढंग से देखेंगे तो और इसका बैकग्राउंड देखिए, ये बिल्कुल इस बिल्कुल, तरह तो का बैकग्राउंड आर्टवर्क। तो पूरी सेना है, बंदर वगैरह सब जा रहे हैं जो दिया हुआ है, तो ये मतलब मतलब वो कहीं भी शार्टल नहीं लगते एलेक्स हैं। रॉस, हाँ स्कैटर्ड ये नहीं है। एक्चुअली में ना रियलिस्टिक आर्ट में डील करते हैं। एलेक्स रॉस जो हाँ है वो एलेक्स, रेफरेंस लेते हैं, वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग या फिर किसी आर्टिस्ट को बोलते हैं पोज करने के लिए, एंड देन ही ड्रू। और वो बिल्कुल अपने वीडियोस भी शेयर कर चुके हैं, कई लोग बोलते हैं रेफरेंस आर्ट ही है वो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हैं तो मैं तो इसके लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, हाँ सीधी सी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एलेक्स अरे रॉस ये मतलब एक आउट थोड़ा ऑफ द लीग है, मतलब सा आउट ऑफ द आई थिंक लीग है, और रश्मि सिन्हा तो इसने तो ये, बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, मतलब क्या बोलते हैं हाँ उसको, मतलब पूरी तो नहीं हो पाई सीरीज लेकिन कल्ट फॉलोइंग हो गई थी भैया इसकी, ये जो बिल्कुल। इनके हाथ और में है एक बुक। एक और है, अगर हम इंडियन आर्टिस्ट की बात करें वो है ये रामायण की किताब, आप सबके पास होगी शायद अरे ये अल्ट्रा रेयर जी किताब। हाँ है, नहीं ये वाला नहीं है। आपके पास किताब नहीं ये वाली इतनी जी? ये वाली नहीं है, यार ये मेरे से आपको फिर भेज लेनी दूंगा, पड़ेगी अभी, ये मैं भेज ये दूंगा। लेनी पड़ेगी। ये क्या है, ये क्या है, ये वाली बिल्कुल किताब है बिल्कुल, ना, ये किताब जो है ना मेरे को ये लिंक बता दीजिएगा। प्रिंट नहीं हुई, ये मैंने खुद प्रिंट करी थी कुछ एक कॉपीज रिस्टोर करके, तो मेरे पास बस ठीक है, फिर ना। तो आ गए हमारे पास। और इसमें क्या है, इसमें प्रताप जी ने जो आर्टवर्क बनाया है ना वो पूरे हैंड पेंटेड है, जैसे वाह कवर आर्ट बनाते थे एब्सोल्युटली ना, अमेजिंग है यार। हाँ जैसे कवर आर्ट बनाते थे ना वैसे ही उन्होंने अंदर बनाया। और इसमें भी श्री इसी राम के अंदाज अच्छे में अच्छे सीन है, लेकिन इसमें भी यही है कि कहानी पूरी नहीं हुई है, ये वनवास तक की कहानी है सिर्फ, जैसे धनुष तोड़ने वाला सीन है, परशुराम गुस्सा हो जाते हैं। परशुराम जी गजब, प्रताप जी ने ब्यूटीफुल। एसी के लिए भी प्रभु के बहुत सारे कवर्स बनाए हैं। एक उनका बड़ा हाँ फेमस कवर है जहां पे प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं ऐसे करके, और वो अवेलेबल भी है मार्केट में, और अगर आप देखेंगे तो अंदर इलस्ट्रेशन भी भाई प्रताप मौली की है, मतलब उन्होंने काफी काम किया है एसीके के साथ प्रताप जी ने। ऐसे ही मतलब अगर आप बुक्स की बात करें तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ एक किताब से, मुझे पता नहीं आप लोगों का आइडिया है या नहीं, लेकिन ड्रीमलैंड करके एक पब्लिकेशन है, और उसने ना ऐसे पेपर बैग्स में पतले पतले रामायण और महाभारत पे बुक्स निकाली थी, और उसमें एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का नाम है कृष्ण लाल वर्मा। अगर आपको किंग कॉमिक्स और परंपरा कॉमिक्स याद है, उनके कवर मैक्सिमम उन्होंने ही बनाए हैं, वर्मा और वर्मा उसके लिखा बाद वो कहीं करते घूमना, केएल वर्मा, केएल वर्मा, उसके बाद वो कहीं चले गए, उनकी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत मुझे पता है, लेकिन आज का डिस्कशन पॉइंट वो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बनाया है, एंड आप देख के बोलेंगे यार क्या आर्टिस्ट है ये। ये देखिए, ये ड्रीमलैंड की रामायण है, अमेजोन में अवेलेबल है हार्ड बाउंड में। ओहो, वाह 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 वाह। अच्छा स्टोरी ये कॉमिक बुक है, कॉमिक बुक फॉर्मेट है ये स्टोरी बुक फॉर्मेट है, लेकिन बुक, इसमें कृष्ण लाल वर्मा, हाँ इसमें उनके पूरे आर्टवर्क है, और जब ये ऐसे ऐसे आर्टवर्क है अंदर, आप देखिए फुल ओहो पेज स्प्लैश पेजेस है पूरे, और आप मतलब सिर्फ निहारते रह जाएंगे, जो मैंने समझ उनकी गया। आर्टिस्ट्री है ना इसमें, आप सिर्फ निहारते रह जाएंगे, आप पढ़ना भूल जाएंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे। आपको दिखाता हूँ जो धनुष तोड़ा उन्होंने, ये देखिए, तो वाह ये बहुत हार्ड बढ़िया, बाउंड में अवेलेबल है, इसको मैंने कवर भी किया था, काफी लोगों को रिकमेंड भी किया मैंने, पेपर बैग्स तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है वो, लेकिन यार हार्ड मैं बाउंड में अभी अवेलेबल जी है, सेम फॉर महाभारत। या तो ये बिल्कुल आप लोग मंगवा सकते हैं, और ये आर्टवर्क अगर आप लोग आर्टवर्क के प्रेमी हैं तो भी मंगवाइए, क्योंकि एक हमारे ना ये पुराने आर्टिस्ट हैं जो कहीं गुम हो गए हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है अपने ब्लॉग में कॉमिक्स बाइट पर, तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय ये बुक। ये वर्मा जी ने भाई लिंक भेज दीजिए भाई। जी वर्मा जी ने राज कॉमिक्स के थ्रिल और सस्पेंस के जी काफी सारे कवर बनाए हैं है ना, वर्मा जी ने वही जी से जी बनाया है, बनाया है, बनाया है, वही वर्मा जी और हैं। हाँ अल्टीमेट तो अभी बहुत चल रहा है आपका, ये तो एसी के है, ये हाँ हाँ वाल्मीकि, आप ये देखिए तो तो ये मेरे पास पांच भी बुक होगा ऑलमोस्ट, का, मेरे पास भी रखा हुआ है। हाँ तो ये अभी नए कवर पे इन्होंने बना दिया है, अभी राम टेम्पल के ओकेजन में इन्होंने नए कवर पे फिर से रिलॉन्च किया है, बट दिस इज ऑल्सो न्यू बुक एंड अच्छा आर्ट है, इसमें भी प्रॉमिसिंग आर्टवर्क है, तो लोग बाय कर सकते हैं, ये तो भी अपना तो कदम है, ये इसके काफी अंदर इसके आर्टवर्क है इंस्पिरेशन इसके अंदर हुए हैं। तो। हाँ
कदम स्टूडियो का आर्टवर्क है इसके अंदर, तो कदम स्टूडियो वाला आर्टवर्क ही नहीं, वो महाभारत, वो महाभारत के अंदर है। इसमें अपने सारे नए आर्टिस्ट हैं जो आज की डेट में आपको अजीत दत्ता चौधरी दिख जाएंगे इसमें, और भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं क्योंकि 5 वॉल्यूम्स में है, काफी सारा कंटेंट है इसमें, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा है, कांड वाइज इन्होंने पूरा कवर किया है इसको, बाला कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड करके। तो आप जाके मतलब जैसा आपकी इच्छा, जैसा सुंदर कांड प्रेफरेबल है घर में पढ़ा जाता है राइट, तो मैं भी वही प्रेफर हाँ करता हूँ पढ़ना अक्सर इसमें से, तो बड़ा अच्छा है। और मैंने इसी के को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज इसे हिंदी में प्रिंट करके लाइए, लेकिन उन्होंने कोई इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अभी क्योंकि राणा डग्गुबाती जी जो कि साउथ के बड़े फेमस एक्टर हैं बाहुबली के कारण, और उनको मान सम्मान और जान पहचान मिला, तो वो अभी एसीके में मतलब ओन करते हैं काफी स्टेक्स। तो आशा अच्छा है कि आगे जाके वो मतलब इसको कभी लेके आए हिंदी में भी। तो अभी तो प्राइम फोकस उनका इंग्लिश ही है, लेकिन आशा करता हूँ कि भविष्य में हिंदी में भी ये उपलब्ध हो पाठकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने, मैं डेफिनेटली इस चीज जी को अपने देखूंगा कुछ बताइए, आपके पास अभी। कवर हाँ वगैरह कुछ। मैं वही कह रहा था, सौम्य की बात पे ही आ रहा था। सौम्य ने स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा था कि आपकी कोई ऐसी कोई डिस्टेंट मेमोरी, जो एक फर्स्ट इमेज जो एकदम माइंड में रह जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं है, उसका रीजन भी है कि मैंने जो फर्स्ट टाइम, मतलब उस टाइम नंदन वगैरह बाकी और चीजें भी पढ़ता था, कहानी वगैरह, तो मैंने जो रामायण पढ़ी थी सबसे पहले वो ना कॉमिक्स के ही मतलब अंदाज में पढ़ी थी, उसमें कॉमिक्स ही थी बेसिकली वो। अब मुझे लेकिन ये पता नहीं कि याद नहीं है कि किस मतलब पब्लिशिंग हाउस की थी वो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसका जो कवर पेज था ना वो फटा हुआ था, लेकिन कहानी अपने आप में कंप्लीट थी, इट वॉज अ डाइजेस्ट। ठीक है, तो मेरी वो मेमोरी नहीं है, बट मुझे ये याद है मैंने उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था एंड उसको मैंने बहुत संभाल के रखा था बहुत लंबे टाइम तक, और जब भी मुझे रेफर करना होता क्योंकि काफी डिटेल में वो कॉमिक बुक बनाई गई थी। बट उसके बाद से, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं काफी ज्यादा इन चीजों में घुसा हुआ था रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, तो कंठस्थ थे काफी चीजें और जितने भी एपिसोड्स थे उस अच्छी तरह से जहन में ताजा थे। उसके बाद के सालों में मैंने कोशिश करी ये देखने की कि सेम बात नए अंदाज से कब कब और किस किस तरीके से बताई जा रही है। तो कुछ मैंने मतलब ऐसे अपने अलमीरा में देख रहा था मैं, तो एक तो ये सौम्या दिखा चुके हैं ऑलरेडी, ये अमर चित्र था ना, तो इसको मैं भी थोड़ा साइड रख दूंगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल यू नो कॉमिक फॉर्म ऑफ द रामायण, इसको रेफर कर सकते हैं आप। बाकी मैं अगर कहूँ तो कैंप फायर का आपने ये सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, हाँ अरे गजब, तो ये देखी होगी। तो मेरा थोड़ा फोकस यही रहता है कि सेम सीता वाक्य, हाँ एब्सोल्युटली एग्जैक्टली अमेजिंग, exactly. तो सेम एब्सोल्युटली वाक्य को, अमेजिंग। सेम वाक्य को आप किस अंदाज किस तरह से बता रहे हैं, और ये सारे किरदार अपने आप में बहुत ही मतलब बड़े किरदार थे, मतलब लार्जर देन लाइफ तो थे ही, लेकिन हर एक का किरदार कुछ कहता था। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आप एक एक किरदार को पकड़ लें, चाहे वो राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, उर्मिला हो, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहानी कहना शुरू करें, तो आई थिंक आपको कितनी रामायणें जानने को मिल जाएंगी अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो ये मैं इसलिए बस थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये सीता ये जो कैंप फायर का था, ये मणिकंदन नाम से एक इलस्ट्रेटर है, बाकी कहानी तो खैर मतलब क्या ही कोई नहीं लिखेगा, लेकिन इलस्ट्रेशन बहुत गजब की है उनकी इसमें। तो ये चीज अगर आप मेरी पसंद की बिल्कुल समझें या रिकमेंडेशन समझें कुछ भी समझें, तो ये आप जरूर पढ़ें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो। बाकी आप आगे चर्चा करेंगे, एक अनुपम सिन्हा सर की भी कृति है इसमें ये हंसने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐतिहासिक नागा ये तो हमारे, ये ये तो भाई किताब साहब, इससे तो आपने हमको दिल्ली की यात्रा याद दिला दी, हमारी भी एक बनना कलेक्टर चाहिए। एडिशन, चलिए चलिए अभी वहां नहीं जाएंगे। और एक ये रावणायन, हाँ रावणायन, रावणायन रावणायन तो मैं, और ये रावण के हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे ज्यादा एग्जैक्टली इंटरेस्ट इस चीज में आता है कि सेम चीज को कितने डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें सारा कमाल आर्ट का है, रावणायन में ये जो होलिकाओं की है, इसमें आपको पता है कि रावण का एक टिपिकल इमेज आपके माइंड में है, ये रोएदार मूछें, मतलब दाढ़ी होती है, नहीं भी होती है, और एक मतलब बिल्कुल राक्षस और ब्राह्मण का मिला जुला जो स्वरूप होता है आपके मन में वो इमेज बैठी हुई है। लेकिन इसको आप देखेंगे इसमें एकदम क्लीन शेवन, मतलब इसमें रावण है और राम की जो आपकी टिपिकल मतलब एक इमेजरी है क्लीन शेवन वगैरह, तो उसके उलट ही बनाया है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टेक भी होते रहने चाहिए,
आई थिंक थोड़ा फ्रेशनेस बनी रहती है। अच्छा इसी पे, इसी के पे टॉपिक पे अगर बोले तो हम चारों अगर एक एक रिकमेंडेशन अगर रखें अपनी इस जनरेशन के लिए, स्पेशली द जेंजीज जितने भी हमारे हैं जो कॉमिक्स में कि टीवी सीरीज में या मूवीज में कैसे? कॉमिक्स, कॉमिक्स, लेट्स कॉमिक्स, स्टार्ट विद कॉमिक्स, कॉमिक्स ना। कॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। और धीरेन भाई जैसे आपने दिखाई ना अभी वो रामायण, एक एक मेरे पास भी है, ये 2011 में ही आई थी और कैंपायर की ही थी ये भी, जिसमें से अच्छा सीता आई थी और वो थी रावण, दिस वन। वाह 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 वाह, अरे मतलब गजब का आर्टवर्क। ये वो टाइम था जब, मतलब ये टाइम था इंडिया को वर्जिन कॉमिक्स का झटका मिल चुका था, पॉजिटिव झटका, कि अरे भैया ऐसा भी आर्टवर्क होता है, डिजिटल पेंटिंग्स मगर और आर्टो के मामले में एक नई लीप ली थी उस दौरान, एक नई नई लीप छलांग, एक थी। नया बिल्कुल रिफाइंड वे में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके कुछ आर्टवर्क्स हैं बहुत बहुत ही अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग आर्टवर्क्स हैं, अगर दिख रहा हो आपको तो। कई हैं जिनके कितने ही यूट्यूब रील्स बनाने वाले, मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि किस कॉमिक का निकाल के बना रहे हैं वो, शिव जी हाँ के लिए और रावण के लिए, इन्हीं में से निकालते हैं वो, मतलब हाँ बहुत इन्हीं बहुत में ही से अमेजिंग, बहुत अमेजिंग आर्टवर्क से, एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखो तो इसके मतलब कॉन्टेक्स्ट ये में सौम्या जी, अभी एक और बुक इन्होंने निकाली थी, आई डोंट नो आप लोगों को आइडिया है नहीं, लेकिन इसमें प्रिंस ऑफ अयोध्या करके इनका प्रिंस तीन ऑफ पार्ट का एक सीरीज अयोध्या, प्लान दिस थी, ये वन, आपके हाथ में। दिस जी, वन, ये दिस पहला पार्ट वन, इनका रिलीज हुआ था, ये भी दिस अल्टीमेट है मतलब। सुपर। मतलब मेरी रिकमेंडेशन में एक तो ये रावण आएगा और प्रिंस ऑफ अयोध्या भी हो सकता है मैनाज जी, लेकिन एक नाम जो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे सीता का नाम लिया आपने कॉमिक बुक का, सुंदरकांड। सुंदरकांड, यह है मेरे पास। अरे गजब का आर्टवर्क है भाई, आई राजेश थिंक नगलोकुंडा जी, बारे अल्टीमेट आर्टिस्ट। ओ हो, और अल्टीमेट। कैंप फायर की तो ऑफरिंग्स ही गजब थी, मतलब अरे रिलीजियस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर तो बहुत ही गजब ग्राफिक नॉवल्स बनाते हैं। ये अलग टॉपिक हो सकता है हमारा किशन जी, कि मतलब बिल्कुल आखिर ये कैंप फायर कहाँ है भाई, किसी मैंने, कॉमिक, मतलब लास्ट कॉमिक कौन कौन सा रहा होगा जब हमने देखा था, कैंप फायर क्यों अरे नहीं आ रहा है विनय, सामने। मैं विनय शर्मा से मिल के आया था, कैंप फायर में तो काम करते हैं, तब पूछा नहीं, था आई आपने। थिंक ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, इसको भी यहाँ पार्क कर हाँ देते हैं। वील टॉक अबाउट हाँ कैंप फायर ओहो लेटर। मैं क्विकली बता दूं, बाकी सब तो एक जगह ठीक है, लेकिन मेरी पहला सजेशन यही होगा कि अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई एक ही अगर आपको कॉपी लेनी है तो आप ये लें, अमर चित्रकथा की, तो तुलसीदास ये हाँ अपने आप में काफी होगी। बिल्कुल। और अगर आपको बाकी और स्वरूप भी जानने, तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, कैंप फायर की सीता थी और होलिकाओं की रावणायन है। जी मैं आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी दर्शकों जी कॉमिक्स तो ऐसा सच नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इस बुक को जरूर आप लोग, जो मैंने दिखाई थी ड्रीमलैंड की, ये जरूर को? पढ़ें। और कॉमिक्स तो जैसे धीरेन भाई ने बताया है, इसी के से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप माइथोलॉजी और उसमें जाना चाहते हैं, पौराणिक हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो एसी केस बेस्ट। और एक पब्लिकेशन का नाम लूंगा, विमानिका कॉमिक्स ने अभी हाल ही में पिछले साल वेद कंठवाल जी का आर्ट है उसमें रामायण पब्लिश की है, एंड मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रयास है, और एक बार सबको जरूर एक बार देखना चाहिए उस बुक को, बहुत बढ़िया प्रयास है उसमें, विमानिका कॉमिक्स का। बिल्कुल उसमें भी जी कई बिल्कुल, पार्ट आने हैं, कई पार्ट में आएगी वो, तो अभी बालकांड आया है उसका, मेरे ख्याल से 4-5 पार्ट में आएगी, लेकिन हाँ काम बहुत अच्छा किया है और आपको फील मिलेगी, एक वाइब मिलेगी कि हाँ कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं जरूर बोलूंगा जी लोगों मैं को। अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करूं, तो आप लोगों ने जो किताब बताई वो तो नो डाउट, वो तो ऑलरेडी लिस्ट में आप लोग बता चुके, तो मैं उसको बताऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो रिपीटेटिव हो जाएगी। तो मैं कुछ और किताब बताता हूँ आपको, जो शायद बच्चों, एक तो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है, बच्चों के लिए इनफैक्ट अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये किताब है इलस्ट्रेटेड रामायण, ये है किसी के पास में? ये बहुत अरे बड़ा, हाँ, हाँ अमेजोन पे, मैंने भी देखा है, अमेजोन पे है। ये किताब महज 400 से 500 रुपए अभी की, देखा और हार्ड बाउंड है। अब इसके अंदर भी वही जैसा आपने बोला ना, आर्टवर्क ईशान त्रिवेदी जी का आर्टवर्क है इसके अंदर, इस तरीके से। अच्छा, ओहो, ओके क्या क्योंकि बात है। बच्चे काफी इसको इंटरेस्ट होके देखेंगे, ये देखिए ओह है ना। ये और आई ये थिंक काफी, पहली पहली ऑडियंस हमारी बच्चे ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल काफी काफी बिल्कुल। सस्ती किताब है। इनफैक्ट मैंने मेरी बच्ची गुड़िया को दे दी ना, तो वो बड़े चाव से पढ़ रही थी, है ना, क्योंकि आजकल अच्छा ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो भाई गजब तो है, रखा, गजब। तो इस तरीके से इसमें चैप्टर रखे हैं। एक तो ये क्योंकि एक तो साइज बहुत बड़ा है, प्राइस बहुत सही है, और ऊपर से हार्ड बाउंड है और अच्छा आर्टवर्क है, मतलब वैसे ही है सेम टू सेम जैसे आप हाँ बोल। मतलब प्रिजर्वेशन के हिसाब से भी अच्छा है। हाँ, कलेक्टर प्राइस ज्यादा नहीं है कि कोई 2000 4000 रुपए का हो, है ना। शुभ विलास करके कोई है,
उसने लिखी है ये। तो एक तो ये किताब क्या है, प्राइस है इसका, कोई प्राइस क्या 400-500 रुपए इसके आसपास ही है बस, पता नहीं मैंने इसका, पाँच अच्छी सौ डील साढ़े है। पाँच सौ रुपए में ली थी ऐसी कुछ है। तो इसमें मिल जाएगी आपको अमेजन पे अभी तो। और एक किताब मैं और बोलूंगा जो मैंने बहुत पहले, सबसे पहले मैंने वही रामायण की कॉमिक्स ली थी, कॉमिक्स नहीं बोलूंगा उसको, किताब बोलूंगा ये। इसका मतलब डस्ट जैकेट नहीं है मेरे पास में, डस्ट जैकेट हरे कलर का है इसका, इसका नाम है ओके okay. डिवाइन डिवाइन लूप होल। ठीक है, ये जो आर्टवर्क है ना ये बनाया है एक पिक्सार के कोई आर्टिस्ट ने शायद कार का, एनिमेटर हाँ ने, पिक्सार का संजय एनिमेटर है उसने बनाया है, संजय पटेल आई थिंक, हाँ संजय पटेल। संजय तो ये ना, ये बहुत ही किताब बढ़िया। अपने आप में अगर कोई डिजाइन का स्टूडेंट है ना तो उसके लिए ये अरे वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें उसने जिस तरीके से कलर का यूज किया ये देखिए, और जिस तरीके ओहो से आर्टवर्क बनाया है वो अपने आप में, ये देखिए अब जैसे रावण का इंट्रो है ये, तो स्टोरी लिखी हुई गजब। ये मेरे पास बहुत पहले से पड़ी हुई है, ये देखिए मतलब अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो उसको वैसा डार्क टोन में और उस तरीके से बनाया पूरा का पूरा, है ना, और ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। अब जैसे विष्णु, विष्णु जी का अवतार, कि विष्णु जी अब अवतार ले रहे हैं श्री राम का, इसका डस्ट जैकेट भी बहुत प्यारा था, ग्रीन से कलर का था वो डस्ट जैकेट, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ये शायद मेरे हिसाब से 1200-1500 रुपये की किताब है, लेकिन अगर ये अवेलेबल हो ना अमेजन पर, मैं खुद इसकी एक दूसरी कॉपी पर मंगाने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉपी काफी काफी ओल्ड हो गई मेरे पास, मतलब कोई मतलब 20 साल पुरानी कॉपी पड़ी होगी मेरे पास में ये। अच्छा ये बात भी है कि जो अभी आर्टवर्क जैसे अभी किशन जी ने दिखाया, मतलब हम सभी कॉमिक्स प्रेमी हैं तो आर्ट लवर्स भी हैं हम सब लोग, तो जी मतलब जी गूजबम्स आ जाते हैं यार, मतलब वो आर्टवर्क देख के। इंडिया में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, नहीं और नहीं आर्ट, अगर आर्टिस्ट की कमी नहीं है तो आर्ट को दिखाया जाने वाला जो भी माध्यम हो, चाहे वो लाइव एक्शन हो, एनिमेशन हो या कॉमिक बुक्स हो, तो आउटपुट जो आता है उसका ऑडियंस या व्यूअर या दर्शक कैसे उस पे रिएक्ट करती हैं, वो मैं मानता हूं आर्ट जो ट्रू आर्ट है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ सही बात फिर है, आखिर ऑडियंस की जो राय है, जो ऑडियंस की पसंद है, वो कहां बदलती है। इस टॉपिक पे मैं अगले सेगमेंट में जाना चाहूंगा जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो बिल्कुल है कॉमिक बुक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। तो कोई महानुभाव यहां पे है जो शुरू करना चाहेगा? लाइव एक्शन में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है शुरू जिसकी करेंगे, बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई? किरकिरी एक ही चीज शुरू करेंगे, नहीं किरकिरी शुरू जी आप शुरू करिए, क्योंकि आपने मुझे रिकमेंड की किया था, और तो बात अब तभी मैं ना आपकी आते रिकमेंडेशन पे बिल्कुल मतलब मतलब थम्सअप है, तो आप ही शुरू करें। आप 600 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं यार, कहाँ फूके आग लगाई जोकर की तरह, डार्क नाइट पे वो आग लगा देता है ना, आई एम बर्निंग माई शेयर ऐसे करके, पैसों में आग लगा दी क्या। और मतलब मैंने वो नेटफ्लिक्स पे देखी थी आदि पुरुष, मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैंने उसका पहला, मैंने तो इवन पे वीडियो भी बनाया कि इन्होंने कितनी गलती कर रखी है, हनुमान जी का सीन इसका उसका मेरे चैनल पे होंगे, हनुमान जी को तुम मौलाना दिखा रहे हो, प्रभु श्री राम को तुम गुस्से में दिखा रहे हो, जैसे वो प्रभास क्या है ना, प्रभास बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है, लोग बोलते हैं प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास को बनाया बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली ने, उसका वो हर जगह पे, वो बाहुबली में जो आई नाम था उसका थिंक वो कहते हैं ना अमरेंद्र, कि मतलब कुछ एक एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स हाँ एक्टर वो होते हैं, अमरेंद्र डायरेक्टर बाहुबली जैसे आपको मोल्ड का करेगा डायरेक्टर वैसे दिखेंगे वो, तो लगा कि मैं प्रभु श्री राम नहीं हूं, मैं अमरेंद्र बाहुबली हूं इसके अंदर भी, जबकि राजा मौली जी की खास बात यह है ना कि वो ना अमर चित्रकथा पढ़ के बड़े हुए हैं। उनका इंटरव्यू खंगालिए, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरे घर में अपब्रिंगिंग ही मतलब इन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट और अमर चित्रकथा के साथ हुई है, तो मुझे ऐसा डिवाइन एंटिटी दिखाना ही है। तो बाहुबली में उन्होंने प्रभास और डागा बोटी को ऐसे दिखाया कि दे आर सुपर ह्यूमन, राइट? वो ह्यूमन लग ही नहीं रहे थे। सिमिलरली आप अगर आरआरआर की बात करें, जो हाँ क्लाइमेक्स सीन है आर वहां पे रामचरण जब वो बिल्कुल वुंडेड रहता है और उसको उसका फ्रेंड जो है अपने जूनियर एनटीआर जो लेके जाते हैं, और वहां पे श्री राम की मूर्ति रहती है और फिर वो उसको डोन करते हैं, एंड देन ही पिक दैट बो एंड एरो एंड ही स्टार्टेड किलिंग दोज जो ब्रिटेन के अपने जो सेना के लोग थे उनको मारने लगते हैं। बट वो जो एंट्री थी वो इतनी डिवाइन एंट्री थी कि हाँ गूजबम्स आ गए थे लाइट सबको। पड़ती है, और फिर वो आते हैं वो उसमें बिल्कुल। अल्टीमेट था वो, मतलब अरे वो वो अल्टीमेट एक था वो। शॉट, वो एक शॉट जो है वो आरआरआर का, वो फाइट सीन्स, वो पूरी आदि पुरुष पे भारी है यार। हाँ, अरे बिल्कुल। आदि पुरुष मैं बताऊं, एवेंजर से उठा के सीन चिपका दिए, प्लेनेट ऑफ द एप्स से उठा के चिपका दिए, राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स से उठा के चिपका लिए, किंग कॉन्ग गॉडजिला, साले सारे गोरिल्ला तो मॉन्स्टर मूवी से उठा रखे हैं, सारे हीरो के सीन एवेंजर से उठा रखे हैं, हैं
और तुमने 600 करोड़ पता नहीं कहाँ ही फूंक दिए, वो रावण है वो इतना करो बड़ा लग रहा है, इतना छोटा लग आप, रहा है, वैसे पिंडी लग रही प्रॉब्लम है। वो नहीं है, आपको चिपकाना है आप चिपकाओ, लेकिन एग्जीक्यूशन तो बेटर करो मैं तो ताकि बताना, लोगों को अच्छा लगे। हॉलीवुड हॉलीवुड वाले ना सिर्फ किसी चीज को सिर्फ कैश करना चाहते हैं कि अभी माहौल कैश खराब करना चाहते हैं। उसको कैश कर लो, जैसे आई अब थिंक ये एग्जीक्यूशन के मामले में आधी पुलिस रह गई, आधी भी नहीं बन एक्चुअली पाई वो। पुरुष नहीं, मैं एनीवे कंट्रोवर्सी, तो नहीं करना चाहता, बट आप लोग सब एक ही फैटर्निटी से हम लोग सब आते हैं, राइट? यार मैं ना भाई तो क्या अगर आप बात कर रहे देखेंगे, हो, हमारे बोलने से कौन सी कंट्रोवर्सी होने वाली है, हम कौन से बड़े नहीं हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं कि जो शिवाजी का ऊपर जो इन्होंने मूव बनाई थी, शिवाजी के जो अपने सिपा सलाते तानाजी, राइट, वो एक आर्टिस्ट ने गेम डेवलप किया था, उससे पूरे सीन कट पेस्ट मारे हैं, और जब ओम राउत को उसने टैग किया था फेसबुक पे, तो ओम राउत जी आया वहां पे हाँ ही करके चले गए, मतलब उन्होंने क्रेडिट तो ये दिया नहीं, लेकिन आप उस गेम और तानाजी द अनसंग वॉरियर के सीन्स उठा लो, आप पूरा कट पेस्ट है, पूरा कट पेस्ट है ना? ये और ये मैंने तो फेसबुक मुझे पे देखा, एक जन ने टैग नहीं किया था तो मैंने पता जाके देखा, जी, पूरा पूरा। तो था मतलब ये अब मैं क्या बोलूं, इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये। तो आप बोल रहे हैं हॉलीवुड मूवी, इंडियन आर्टिस्ट को क्रेडिट ना देके उनका पूरा सामान लिया जा रहा है खुलेआम, मतलब और मूवीज में। आदिपुरुष सबसे बड़ी बात थी जो डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, क्या डायलॉग है वे, कि अरे तुम भाई हनुमान जी को ऐसे दिखाना चाहते आई हो। थिंक आदिपुरुष के ऊपर ज्यादा बात करके फायदा नहीं, बिकॉज आई थिंक ये तो मतलब सभी लोग जानते हैं कि एक नंबर का मतलब डब्बा काम था वो। आई थिंक जो एक मीम अच्छा बहुत काम हुआ है उसके पॉपुलर बारे में हुआ बात था करना ना, चाहिए। यस, एक मीम बहुत पॉपुलर हुआ था इस पे, इसे बाढ़ मारिए प्रभु हाँ एक और वो जब भी करके। राम जी के रामायण की बात होती है तो ओम राव का चेहरा है, मतलब मुझे क्यों तोड़ा, तोड़ते सब लोग लेकिन अगर अगर जैसे अब जैसे अभी नेगी भाई बोल रहे थे कि अगर ये नेगेटिव बात कही की जा रही है, तो उसी के अपोजिट में समझ, अभी कुछ अच्छा अभी भी बताओ। हनुमान पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ है, उससे कितना बजट है उस फिल्म का, हनुमान क्या हनुमान, गजब, हनुमान की बात उस करो, पे भी बात की सुपर्ब जाए, उस सुपर्ब। पे भी बात की जाए। 5 करोड़ का बजट है शायद उसका, और नहीं अभी नहीं दो नहीं सौ भाई इतना करोड़ नहीं नेशन यार, 200 करोड़ का, 20 का शायद, 20-25 चालीस का है, चालीस तक 20 पहुंचा, 40 तक, 30 का बड़ा था, ज्यादा ही है। 40-45 के आसपास पूरे लगे हैं उसके अंदर। तो अभी मतलब नेशन में अगर देखो आप, वर्ल्ड वाइड जो उसका बॉक्स ऑफिस है ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गया मेरे ख्याल से करोड़, हाँ अभी हाँ रिसेंटली शायद, जो मैंने देखा था, हाँ 200 क्रॉस कर और गया। लोग अभी भी जा रहे हैं, लोग अभी भी जा रहे हैं देखने। अच्छा और कारण विद क्या है, फैमिली जा रहे हैं, विद फैमिली जा कारण रहे क्या हैं। है, मैंने नहीं देखी है, इसलिए आप तीनों ने अगर देखी है तो मुझे बताएं और दर्शकों को बताएं कारण क्या है, मतलब व्हाट इज गुड इन द मूवी, आप प्लीज बताएं। मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण, मैं मूवी बच्चों को दिखाने लेके गया था, बच्चों के हिसाब से मैंने कहा ये लोग देखेंगे, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ लास्ट के जो 10 मिनट है ना वो भाई साहब, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हनुमान जी इज द सबसे टॉप सुपर हीरो, तो वो टॉप सुपर हीरो का जो कन्विक्शन है कि कैसे, नेगी जी देखिए, आपने देखी है मैनाक जी पिक्चर, आपने नहीं देखी मैनाक नहीं जी, नहीं मैंने देखी नहीं है, मुझे रिकमेंड कि मैं जाऊंगा इस वीकेंड में, मैं जाने वाला हूँ तो नेगी ये। जी मेरी बात से सहमत होंगे कि वो लास्ट 10 मिनट में दिखाए कि क्यों हनुमान जी इज बाप ऑफ ऑल सुपर हीरोज, जिस तरीके से वो आते हैं, मतलब मैं उनको स्पॉइलर दिखाया दिखा, गया है, बहुत गजब और है। इवन इसके डायरेक्टर से भी पूछा गया था इस चीज के लिए कि आपके पिक्चर इतना चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, एज कंपेयर टू आदिपुरुष जिसका बजट इतना ज्यादा था, क्या रीजन है, उसने बोला कि ये हमारी आस्था का विषय है, सोर्स मटेरियल जो है ना उसमें आप हर चीज में लिबर्टी लो, लेकिन जहां हमारी आस्था का विषय रहता था, मतलब बहुत सारे कितने करोड़ों लाखों लोगों की आस्था का विषय हम राम मंदिर के समय देख ही चुके हैं, इससे अगर आप इसमें आप लिबर्टी लेते हो ना किसी चीज की, तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी मैं आस्था। आपको एक बहुत अच्छा बाइट देता हूँ इसमें, जो हनुमान जी आपने बोला जैसे सुप्रीम, बिल्कुल हाँ उनको महाबली बोला जाता है, जो सबसे टॉप पे होते हैं, सबसे टॉप पे योद्धाओं में सबसे टॉप पे होते हैं, उनको वरदान मिला था कि आप कोई भी युद्ध हारेंगे नहीं। उन्होंने रामायण के युद्ध में रावण को एक मुष्टि प्रहार, एक एक पंच जिसको हम आज के डेट में कहते हैं, मार के मूर्छित कर दिया था। जी, वो आप जो एक पंच सोचिए वाली आप, बात है ना, उसके एक पूरे नॉकआउट 10 मिनट पंच, नहीं, उसका एक यस, पूरा 10 मिनट का वो है पूरा सार, वो एक मुट्ठी पंच का, हाँ मैं आपको YouTube वीडियो भेजूंगा, हाँ जी उसको आप सुनना, आप जी हंस के पागल हो जाओगे, इतना शानदार बोला हुआ है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी की पूंछ और हनुमान जी का मुष्टि, मतलब रावण बोलता है कि चलो एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए, तो हनुमान जी हाँ ऐसे वो बोलता है कि हनुमान जी बोलते हैं तुम मार लो पहले, तो रावण बोलता नहीं तुम मार, ऋषि बोलता है तुम मार लो, हनुमान जी बोला यार मैं मारूंगा तो पता नहीं ये फिर मारने लायक रहे नहीं रहे, तो इसी को मौका दे दो, तो वो मारते हैं, हनुमान जी ओ खड़े रहते हैं, फिर
फिर हनुमान जी बोले अब मेरी बारी, तो ऊपर से सारे देवता अरे प्रभु क्या कर रहे हो, आप मारोगे तो रावण तो मर ही जाएगा। राम जी का तो सारा जो बिसात बिसाई हमने सीता माता का अपने जो सारा कांड होना राम जी का, वो तो दर्रा रह जाएगा, मत मारो। तो हनुमान जी बोले यार थोड़ा सा तो चखा दो, ऐसे ऐसे मतलब वो बहुत थे प्रभु, थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो। और वो जो ना मारा एक मुट्ठी थोड़ी सी, उसमें रावण तो चित्त, तो वो मैं आपको भेजूंगा वीडियो, ये आप वीडियो मतलब क्या मूवी एनिमेशन क्या है, क्या ही है जो आप बता रहे नहीं, हो? एक ऋषि कहानी सुना रहा है इस पूरे प्रसंग की, कोई जो कथा वाचा करते हैं ना अच्छा कहानी सुना रहा है, तो उसका पूरा अच्छा अच्छा ऑडियो है, अच्छा वो आप सुनोगे ना आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, बोले यार क्या बनाया है यार। अच्छा, ये जो हनुमान मूवी आपने बताई ना, मतलब ये फिल्म मैं भी देख के आया आपकी रिकमेंडेशन पे, तो आपकी पहली बात बिल्कुल सही कि लास्ट के जो 10-15 मिनट्स हैं एकदम गूज बम्स आ जाते हैं अगर आप देखो। और मैं आपको बताऊं कि क्यों आपको, जैसे सौम्य और मैंने दोनों ने नहीं देखी है, और साथी जो ऑडियंस जो भी हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं ये क्या होता है एपिसोड, आप लोग भी क्यों देखें। नंबर 1, इसका जो SFX है स्पेशल इफेक्ट्स, आखिर हाँ उसको VFX ही बोला जाता है, तो VFX इसके बड़े शानदार है। और आपको ये मूवी ये बताएगी कि क्या कुछ पॉसिबल है अगर आपका इंटेंशन सही है, तो आप काफी सीमित बजट में भी, लिमिटेड बजट में भी आप एक शानदार मोशन पिक्चर से लेकर आ सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल गजब। मतलब शुरुआत में जब मैं मूवी देख रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा उंग रहा था, मतलब शुरुआत के जो मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स हैं उतना कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है, बट जहां जहां ये हिंट ड्रॉप किया गया कि महाबली हनुमान जी के मतलब सीन आएंगे, उनका उनके बारे में और थोड़ा विस्तार में बताया जाएगा क्या उनका रोल है, कहानी कहाँ जा रही है, वैसे वैसे इंटरेस्ट आपको बढ़ता जाएगा। तो VFX काफी स्ट्रांग है, लिमिटेड बजट में बहुत अच्छा काम किया है, कहानी के मूल स्वभाव के साथ जो उसका मतलब कोर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, ऊपर से साथ ही थोड़ी लिबर्टी भी ली है कहानी के साथ, क्योंकि इसमें एक नया किरदार डाला गया, तो नहीं उसमें ये उसका मैं दिखाया आपको हुआ है कि बताऊंगा, मतलब उसका मैं आपको वो लिबर्टी आप बोल रहे हो उसका मैं आपको बताऊंगा, लिबर्टी है हाँ, मैं यही कह के खत्म कंप्लीट कर रहा हूँ करूंगा। कि उसमें उसमें हनुमान जी के किरदार के साथ कोई लिबर्टी नहीं ली है, उनको यथावत दिखाया है, लेकिन साथ ही एक चीज एंगल भी अपनी तरफ से ऐड किया है कि उसमें जो मेल कैरेक्टर है लीड कैरेक्टर जो है उसको एक केप दिया जाता है हनुमान जी की तरफ से। आगे कहानी जो है वो नेक्स्ट मूवी जो उसका सीक्वल बन रहा है उसमें दिखाएंगे, बट हर एज में नए सुपर हीरो चुनने की जो प्रथा है और जो नई निकल के आते हैं हर एज में, उसको बहुत बखूबी उसमें दिखाया गया कि हर एक एज से एक कैरेक्टर को क्यों चूज किया जाता है अब रीजनिंग के मेरा साथ। ना मेरा इस मूवी को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, मैंने मूवी देखी, मैंने कहा ठीक है मेरे को ऐसा फिक्शन लगी, लेकिन जब बाद में मैंने देखा ना कि जब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा आएगा, तो मैंने एक एक बुक्स में लिखा हुआ है कलयुग में, जैसे हम बोलते हैं इमोर्टल्स, अश्वत्थामा और विभीषण और हनुमान जी, ऐसे कुछ एक इमोर्टल्स है 7 जने, ठीक है। प्रभु श्री राम ने क्या बोला हनुमान जी को, हनुमान जी ने बोला कि मैं इस धरती पर कब तक रहूंगा, आपका नाम चलेगा तब तक रहूंगा उसके, लेकिन राम जी ने बोला तुम तब तक तो रहोगे लेकिन तुम्हारा एक लक्ष्य और है। बोले क्या? बोला कलयुग में जब पाप बिल्कुल बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार लेगा, जैसे कि सब जानते हैं कल्कि अवतार लेगा, लेकिन कल्कि के अगेंस्ट कौन होगा, कली, जो कलयुग का सबसे घोर कलयुग का कोई जो बंदा होगा, कली मतलब विलेन मान लो आप, ये विलेन, ये कल्कि हीरो। उस समय क्या होगा, इन कल्कि के साथ में जितने भी इमोर्टल्स हनुमान जी विभीषण अश्वत्थामा जो भी, ये सब आएंगे, ये सब अपनी बंदे चुनेंगे और एक युद्ध होगा पुण्य अच्छाई और बुराई के बीच में फिर से, और उसमें बुराई का खात्मा होगा और अच्छाई की विजय होगी और फिर सतयुग की स्थापना होगी। ये हिस्ट्री है कि ऐसा होगा। तो अब आप समझे ना आखिर में क्या हो रहा है, विभीषण क्यों बोलता हनुमान जी अब आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया है वो राक्षसों की सेना, मतलब मैं स्पॉइलर देना चाहता ना, अब आप धीरे-धीरे समझ गए होंगे कि ये स्टोरी को कहां लेके इसका जाना इसका चाहते हैं। इसका एक अपडेट ये है कि जो मतलब पब्लिक नॉलेज में भी आ चुका है, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी शुभ मौके पे, मेरे को डायरेक्टर का नाम पता नहीं, या हनुमान जी के जो डायरेक्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि शांत जो वर्मा, सेकंड पार्ट है उसका हमने शुरुआत कर दी है, शांत वर्मा, उसके ओके, ऊपर जय मतलब हनुमान, स्क्रिप्टिंग जय वगैरह जो हनुमान भी करके है शायद से। तो ये हाँ आप जो भी देख रहे प्री हो, प्रोडक्शन का काम होता है वो ये शुरू कर दिया है एवेंजर भाई साहब, लेवल का, एवेंजर लेवल का स्कोप है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। इतना लेवल का स्कोप है इसके अंदर। किशन जी ने जो रेफरेंस दिया अभी उसको लेके हमारे मित्र हैं जो साहिल एस शर्मा जी करके, जो कि इस हाँ बर्गर कॉमिक्स के ओनर भी हैं और अल्फा के लिए भी काफी लिख रहे हैं आजकल, तो प्रोफेसर अश्वत्थामा की बात जरूर करूंगा मैं यहाँ पे। और अगर अभी तक पाठकों ने इसे नहीं पढ़ा है या जो दर्शक हैं हमारे चैनल पे उन्होंने नहीं पढ़ा है, एक बार जरूर इसे पढ़ने का मतलब एक मौका जरूर दीजिए। काफी अच्छा एक उन्होंने ना नया और पुराना एक मिक्स करके, जो माइथोलॉजी है और साइंस से मिक्स करके एक अच्छी स्टोरी बुनी है,
और रिसेंटली जो थर्ड पार्ट है उसका लास्ट पैनल जो आप लोग ये बोल रहे हैं ना, बात करें हनुमान मूवी का, उसका लास्ट पैनल भी कुछ कुछ वैसा ही है। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं इस बात को, और इसका इंटीमेशन वो अपने फर्स्ट सेकंड पार्ट से देते आ रहे हैं, तो वो भी चिरंजीवी के ऊपर ही है, और बहुत बढ़िया उन्होंने जो कहानी है लिखी है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। एक बहुत क्विक सा मैं एक लास्ट टॉपिक हमारे सेगमेंट लास्ट सेगमेंट का लूंगा, और वो है गेमिंग का। जब हम बात करते हैं फिल्मों की, हम बात करी कॉमिक बुक्स की, ग्राफिक नॉवेल्स की, हमारे पास रिकमेंडेशन है फिल्मों की। दर्शक जो देख रहे हैं, मैं मानता हूं आज के पॉडकास्ट में वो बच्चे भी बहुत होंगे और कॉमिक लवर्स तो होंगे ही, लेकिन गेमिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया गेमिंग के मामले में शायद एनिमेशन से भी पीछे है। क्योंकि गेमिंग की अगर बात की जाए, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एपिक्स हैं, हम जब वेस्ट की तरफ देखते हैं तो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे ज्यूस हो या कोई भी एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, उनके ऊपर आपको गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में हमें गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं। और हम कॉमिक लवर्स हैं, मूवीज देखते हैं, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री में अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये इस बारे में आप लोग लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ना, जैसे जो गेम बनते हैं ना, जो भी वेस्ट में भी जो गेम बनते हैं, तो वो उन सभ्यताओं के बनते हैं जो आज के तारीख में लुप्त हो गई है। नॉर्स माइथोलॉजी, आजकल कौन है जो नॉर्स माइथोलॉजी फॉलो करता है, उस वगैरह सब तो, और होंगे भी तो कोई मुट्ठी भर लोग होंगे, तो कॉन्ट्रोवर्सी की संभावना जो है ना, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो जैसे क्रातोस है, वो ज्यूस से लड़ रहा है। हम अगर यहां पर देखें कि कोई एक आम इंसान भगवान श्री राम से लड़ रहा है, भाई साहब प्रलय आ जाएगी। तो मैं गॉड ऑफ वॉर की एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है या कंट्रोवर्सी है, या जो एक मैंने सुना था, एक गेमर के मुंह से सुना था मैंने, कि ये ना इनका सीरीज चल रहा है, पूरा आर्क चल रहा है, ये एक एक माइथोलॉजी कवर करते जा रहे हैं एक एक गेम में, है ना। तो पहले इन्होंने नॉर्स कवर की, उसके बाद ये दूसरे वाले पे पहुंचे, अभी इनका एक प्लान ये है कि ये दूसरे माइथोलॉजी को भी कवर करेंगे। आई होप एंड आई बिलीव कि ये अपने माइथोलॉजी पे टच ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत ब्लैकलैश मिलेगा इनको, अपने तो और देखो यहाँ पे राइट होने नैनाक की भी संभावना है। जी, अपने तो माइथोलॉजी है ही नहीं, अपने तो हिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, मतलब अपने जो पौराणिक टेक्स्ट हैं, अपने जो हीरोज हैं, उनको टच ना किया जाए, मेरा तो ये कहना वो है कि एज करेंगे भी इट इज नहीं, रहने दीजिए उसको। करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू सभ्यता जो है वो बहुत ब्रॉड है और अब तो बहुत हो गई। तो अगर हम ऐसा कुछ अडॉप्ट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। अगर कोई ज्यादा आप होंगे राइट, ऐसी सभ्यता का कुछ भी बना दो जो सभ्यता ऑलमोस्ट लुप्त है, या उसके मुट्ठी भर लोग हैं, तो कितना कंट्रोवर्सी करेंगे वो लोग। वो बोलेंगे यार जा बात है क्या, हमने खुद ही धर्म चेंज कर लिया अपना, कौन मानता है। बिल्कुल परिशियन बिल्कुल सभ्यता है, बिल्कुल प्रिंस ऑफ परसिया है, परिशियन सभ्यता पूरी खत्म हो गई है, खत्म हो नॉर्स चुकी है। पूरी खत्म है, और कौन सी इजिप्शियन सभ्यता पूरी खत्म है, क्या है उनमें। तो इसलिए उनपे गेम बन जाता है। अभी हमारे यहाँ पे अभी शायद एक कोई गेम आ रहा है जिसमें गणेश जी वगैरह वो सब दिखा रखे हैं काफी सारे। हाँ, शिव महादेव के हाँ, बाद। नहीं, एक पुराना है अपना वाला, एक तो गेम है ऑलरेडी, कौन सी सीरीज है यार वो, अनचार्टेड की, उसमें एक है, लेकिन अभी एक गेम ऐसा आ रहा है जिसमें, एक और है हाँ एक आ जी, रहा है, अनचार्टेड की सीरीज में महादेव के मंदिर वाला पूरा एक पूरा स्पेशल, तो मतलब एक पूरा एक चैप्टर बैकग्राउंड, है पूरा। हाँ बैकग्राउंड दिया है। अभी एक नया गेम आ रहा है, उसमें हनुमान जी की मूर्तियां हैं, शिव जी की मूर्तियां हैं, और ऑलमोस्ट उसका जो पूरा स्कल्पचर है ना, पूरा बैकग्राउंड वो सब हिंदू देवी देवता ही उसके अंदर। अब वो पता नहीं कब आता है गेम, जी पता जी नहीं, इसका आइडिया नहीं है। ये गेमिंग इंडस्ट्री में अगर जैसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एज यू से किशन भाई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, अगर इनकी बात करें, जैसे सौम्या का कंसर्न था कि ऑलमोस्ट नदारद है, सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट टू मच इनटू गेमिंग पार्ट, लेकिन मैं बिजनेस सेंस के हिसाब से अगर बात करूं तो बच्चों को टारगेट तभी किया जाता है जब उनके बीच में कोई कैरेक्टर्स पॉपुलर होते हैं। अब ये जो गेमिंग जो इंडस्ट्री जो भी थोड़ी बहुत है, इसका चलन कब से शुरू हुआ, 2000 के बाद से, तो तब से ये वो दौर है जब बच्चों का थोड़ा सा छूट गया, मतलब ये रिलीजियस उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको खासकर कुछ पता भी नहीं है। अगर आप जो लेट 90s में पैदा हुए बच्चे उनसे आज पूछेंगे तो अश्वत्थामा पूछेंगे दिल भी ब्लैंक, आप उनसे पूछेंगे कि भाई द्रोणाचार्य कौन है, दिल ड्रॉ ब्लैंक। तो वही चीज है, जब उनके बीच में पॉपुलर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या कैरेक्टर्स हैं, तो गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ गुंजाइश बस्ती का है। तो ये पॉप कल्चर में लाने का इनको तरीका यही है, मीडियम जो मूवीज हैं, जो कॉमिक बुक्स हैं, जो एनिमेशन है, इनके थ्रू ही इन्हें पॉप कल्चर में वापस लाया जा सकता है, और फिर से रिवाइव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत फेमस है सब, सिर्फ इसको पहुंचाने की जरूरत है एक मीडियम के थ्रू। नहीं तो हनुमान की सक्सेस इस बात की मतलब गवाही देती है कि भाई अगर आप लेके आएंगे अच्छा कंटेंट तो वो मासेस को अपील करेगा ही करेगा। इसका बिल्कुल, इसका अंत करने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन समय की बद्धता है,
और लेकिन लेकिन मजा आया भाई आज, आज वाकई में राममय हो गया पूरा एनवायरनमेंट, और चारों में ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंस है कि नहीं ये बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, पेरेंट्स दिखाएंगे बच्चों को, पक्की बात है। बिकॉज सारी रिकमेंडेशंस जो हैं, मैं तो कहूंगा कि सब लोग रिकमेंडेशंस में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि ये बुक्स बिल्कुल कहाँ कहाँ अवेलेबल है जो हमने रिकमेंड करी है। हाँ, लिंक तो अवेलेबल बिल्कुल डाल देना। बिल्कुल और सबसे मतलब बहुत बड़ा धन्यवाद मानक भाई का, तो शॉर्ट नोटिस पे भी उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत फिर, शुक्रिया आपका मानक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ में एक बार फिर से जय श्री राम करते हुए आज के इस एपिसोड को समाप्त करते जय हैं। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत बहुत राम। शुक्रिया देवी और सज्जनों, बहुत 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 शुक्रिया, और बिल्कुल। बढ़िया। बड़ी जल्दी ही टेक केयर, मिलेंगे टेक केयर, दोबारा। बाय बाय, ओके, गुड बाय बाय। बाय।